क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? इतनी बार फोन कर चुके हैं सुबह से हारून को, एक बार नहीं उसने कॉल उठाई। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे इस वक्त उसके ऑफिस का टाइम है, मसरूफ होगा। अम्मी, 2 मिनट निकाल कर एक कॉल बैक तो कर ही सकता है ना वो। और आपको पता है, रिश्ता होने की मुबारकबाद नहीं दी उसने मुझे। तू दिल पे क्यों ले रही है? अरे तेरे लिए यही काफी है, इतने बड़े घर में तेरा रिश्ता हो गया है। एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर तो उसे अपने इशारों पे चला लेना। पता नहीं अम्मी, इतना भी प्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही एटीट्यूड है। वैसे एक बात कहूँ एमन, तेरा उसका कोई जोड़ नहीं है। अरे ये तो भला हो निमरा का, उसने सिफारिश कर दी तो तेरा रिश्ता हो गया। वाह अम्मी, आप जैसी भी ना और कोई मानी होगी, सारे नुक्स अपनी बेटी में नजर आते हैं आपको तो। अच्छा तू बुरा ना मना, देख अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अब उसे फोन मत करना। अरे उसे भी तो एहसास होना चाहिए ना, वो तुझे कॉल करेगा। ठीक कह रही हैं आप। अगर उसने फोन नहीं किया तो मैं उसे फोन कर लूंगी, उससे बात करूंगी, ठीक है? चल आ जा, बरजुखाने में काम करते हैं। मैं आ सकता हूँ? हाँ फारिस, अंदर आओ। क्या हुआ? निम्रा, प्रॉपर्टी का काम तो मैंने संभाल रखा है, तुम कम से कम घर वालों पर तो नजर रखो, उन्हें तो संभाल सकती हो। क्या मतलब? अब्बा घर में नई तामीर क्यों करवा रहे? तुम्हारी मर्जी मालूम करने की भी जहमत नहीं की होगी उन्होंने। फारिस चचा घर के बड़े हैं, वो जो भी करेंगे सबकी बेहतरी के लिए करेंगे। निम्रा तुम बहुत भोली हो। अरे अब्बा रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उन्हें टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो सोचा क्यों ना मकान का बखेड़ा ही स्टार्ट कर दूं। तुम्हें अंदाजा भी है कितना पैसा बर्बाद होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन सा इनकी मेहनत की कमाई है, बहू और बेटे का ही है। फारिस, चाचा ने मुझसे काफी रकम मांग ली है, अब क्या होगा? मैं किसी न किसी बहाने से उनसे वो रकम लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुमसे अगर मजीद रकम का तकाजा करे ना, तो साफ साफ कह देना कि फारिस की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, सिंपल। ठीक है। अभी तो इन्हें अपनी इकलौती बेटी एमन की शादी के लिए भी लाखों रुपए चाहिए होंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम कुछ नहीं दोगी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? फारिस, मैं चाचा को कैसे इनकार करूंगी, मुझसे खफा हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ अब्बा से, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो निमरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या बातें हो रही हैं? मैं निमरा से कह रहा हूँ कि अब्बा तुमसे मकान की तामीर के लिए पहले ही बहुत रकम ले चुके, मजीद रकम देने की जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप अब्बा से कहें कि कंस्ट्रक्शन की फिलहाल जरूरत नहीं है, यही पैसा हेमन की शादी में लगा दें। तो है ही तोता शम, बदले हास, लालची, खुद गर्ज। देखो निमरा बेटी, तुम तो इमन की बहन हो ना, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है, इसकी बातों में हर किस मत आना, ये तो है लालची। बेटा, मंगनी की बाकायदा रस्म के लिए हमें वहां जाना होगा, बार बार पूछ रहे हैं वो लोग। खानदानी लोगों में जबान से कह देना काफी होता है, मेरे ख्याल में किसी रस्म की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, लड़की वालों की खुशी है, एमन उनकी इकलौती बेटी है, मेरे ख्याल से तो अगर उनकी खुशी के लिए हम ये रस्म कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ठीक है, आप और अब्बू जाके अंगूठी पहनाएं। क्या मतलब, तुम नहीं जाओगे? मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। बेटा, तुम्हारी उदास जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए तो मैंने ये रिश्ता किया था, तुम
तो मुझे अब भी उदास लग रहे हो। ऐसी बात नहीं है दादी। तो फिर ये तय है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। मैं शाइस्ता से कह दूंगी कि सब कुछ सादगी से होगा। जब आप सब कुछ तय कर ही चुकी हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? मेरा प्यारा बेटा सादतमंद, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें खुश रखे। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं खुशी से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इतने सारे काम मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। पर अम्मी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि सादगी से रस्म करनी है? मतलब ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। नहीं शर्मिंदगी होगी अब मुझे अपनी दोस्तों के सामने, पता नहीं क्या कुछ कहा था मैंने उन्हें। अकलमंद है, हमारी माली हैसियत जानते हैं, तभी सादगी की बात की है। क्यों भाई, क्या हुआ हमारी माली हैसियत को? मैं तो अपनी बेटी को इतना जहेज दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अच्छा क्यों, आपका कोई बॉन्ड निकला है? ये क्या बकवास है, क्या कह रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? भाई मेरे पास तो जो कुछ भी है वो सब कुछ निम्रा की अमानत है, मैं तो उसमें से फालतू एक पैसा भी नहीं ले सकता। तो निम्रा कौन है? कौन है निम्रा? बेटी है मेरी, बहन है इसकी, तो अपनी बहन के लिए इतना कुछ नहीं करेगी वो? क्यों बताओ निम्रा, बोलो बेटे। निम्रा पहले ही मकान की तामीर के लिए आपको बहुत बड़ी रकम दे चुकी है, आप तामीर मत करवाएं, ईमान का जहेज बनवा लें। ओ कैसे भाई हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं? बता दिया ससुराल में कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ससुराल में इज्जत बनाने के लिए जहेज की नहीं अच्छी तरबियत की जरूरत होती है। तो हमारी तरबियत क्या खराब है? हमने इसकी क्या गलत तरबियत की है? नहीं तुम बताओ निम्रा, बताओ। नहीं मेरे बच्चे बताओ, दिल में कोई बात ना रखो, जो है खोल के बताओ। थोड़ा पैसा नहीं दिया है निम्रा ने आप लोगों को? अच्छी खासी रकम होती है वो, और समझाएं इसे अपने फालतू के शौक ना अपने ससुराल जाके पूरे करे। चलो निम्रा। क्या चलो निम्रा, देख रही हो इस बदलिहाज को? मुझे अगर पता होता ना कि पैसा जेब में आते ही इसकी नजरें यूं फिर जाएंगी तो कभी इसकी निम्रा से शादी ना होने देता। मेरा मसला वही रह गया। इसकी तबीयत तो मैं साफ करती हूँ जाके। खाक साफ करोगी तुम? तुम्हारी वजह से ही तो बिगड़ा है वो। जब भी मैंने उसकी किसी गलत बात की निशानदेही की है तुमने हमेशा ये कहा नहीं मेरा बच्चा मासूम है, मेरे बच्चे को तो पता कुछ नहीं, अब भुगतो। अच्छा बस, अच्छा बस। तुम तो बड़ा तीर चला लोगी ना जाके, जैसे आदमी घर की तामीर के लिए पैसे लगाए हैं तो लगा रहे हैं भाई, देख नहीं रहे? बड़े बड़े नाफरमान बस जबान बेटे देखे, लेकिन तेरे जैसा एहसान फरामोश बदलिहाज नहीं देखा। अरे यहां तक पहुंचाने में हमारा हाथ है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी? ना अच्छी तालीम, ना कारोबार, ना नौकरी। निम्रा की जिंदगी में हम लोग लेकर आए तुम्हें, चार पैसे क्या जेब में आ गए, आंखें ही माथे पे रख ली तुमने। ये पैसा ये रुपया पाने के लिए मैंने अपने दिल की खुशी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। मेरी जेब तो पैसे से भरी हुई है लेकिन मेरा दिल बिल्कुल खाली है, कुछ एहसास है आपको इसका? फाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, निम्रा सना से करोड़ हा दर्जे बेहतर है। जब जेब भरी हुई हो ना तो सारी कमी पूरी हो जाती है। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने इस दिल के खालीपन को दूर करना चाहता हूँ, मैं सना से शादी करना चाहता हूँ। औस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो अपने हाथों से अपना नसीब बर्बाद करोगे तुम तो।
मैं और सना फैसला कर चुके हैं। अच्छा, इस मनहूस लड़की ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं करती हूँ उसकी माँ से बात। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी एमन की शादी धूमधाम से हो तो आपको मेरी यह शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि नुजत खाला ये चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी में लड़के की माँ यानी आप शरीक और उनकी बेटी को हंसी खुशी बया कर लेकर जाएं। तुम्हारा बाप कभी नहीं मानेगा। देख फारिस, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकाल दे अपने दिल से उस लड़की का ख्याल। फिलहाल मेरे बाप को बताने की जरूरत नहीं है। एमन की मंगनी में नुजत खाला, अमजद खालू और सना आएंगे और आपने उनसे वही बर्ताव करना है जो एक अच्छे रिश्तेदारों के साथ किया जाता है। और सना को आप अपनी बहू से ज्यादा बढ़कर प्यार करेंगी, यही शर्त है मेरी। ठीक है। दिखाओ की मेहंदी। ठीक है अम्मा जी, जैसे आप कहेंगी वैसे ही करेंगे। जमशेद का तो इरादा था कि बहुत बड़े पैमाने पे हम अच्छा सा मंगनी का अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आपने कह दिया सादगी से, तो ठीक है। खुदा हाफिज़। नहीं, आओ मेरे पास बैठो, से मेरी बात करें। अरे बहनों को लेके जाओ, उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ बेटा, जाओ इनको लेके जाओ। वो अम्मा जी का फोन आया था, वो लोग कल 4 बजे पहुंच रहे। नजीरा के साथ मिलकर ना उनके लिए अच्छा सा कमरा सेट करवा दो और खाने पीने का खास ख्याल रखना। तुम तो जानती हो ना वो लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं। जी चाची, आप फिक्र ना करें। और मेरी एमिन की भी ना सारी दोस्तें आई हुई है, उनके भी खाने पीने का बहुत ख्याल रखना बेटा। अब तुम बड़ी हो इस घर की, तुम्हें ही सब ख्याल रखना है। वो मैं कह रही थी कि 3 लाख रुपए का ना चेक काट कर अपने चचा को दे दो। अरे इतना खर्चा हो रहा है, कैसे पूरा करेंगे सब कुछ। चाची मेरी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड्स तो सब फारिस के पास हैं। क्या तुमने फारिस को दे दिया? अरे किसकी इजाजत से दिया है? कम से कम बड़ों से पूछ तो लेते हैं क्या मैं दे रही हूँ, दूं के ना दूं। तुमने तो हमेशा ही हमें गैर ही समझा है। मैंने कोई गलत काम कर दिया? गलत, बहुत गलत किया तुमने। अरे ऐसा काम करने से पहले किसी बड़े से मशवरा तो कर लेते। अरे आए जी, आए फारिस। बैठे यहाँ बैठे। बैठे बैठे यहाँ बैठे। अरे बैठ भी जाएंगे, तुम्हारी वालदा से मुलाकात तो कर लें, वरना गिला करेंगी कि मुबारकबाद भी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। अरे ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए, आने से पहले कोई इतला कर देता है। अरे मेरी बहन का घर है, क्यों इतला दो? जब दिल जाएगा आऊंगी मैं तो। भाई बहुत मुझे तो अच्छा लगा, बस सुन के मैं तो रुका ही नहीं गया। मैंने कहा बस चलो जाके एंजॉय करते हैं शादी में। बिन बुलाए मेहमान आगे मेरी बच्ची की खुशियों को नजर लगाने। बुलाए क्यों? मैंने इसरार करके बुलाया भाई। किसकी इजाजत से बुलाया तुमने? मेरी इजाजत से और किसकी इजाजत से? तुम मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाना चाहते हो? खालू खाला आप लोग सना इनको अंदर लेकर जाओ। जाओ अंदर जाओ, आप लोग अंदर जाओ। इस घर का ना करता धरता हूँ मैं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लगता है तेरी तबीयत खराब हो गई है, बाप को बुला के ना तेरी तबीयत ठीक करवाती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि उनको बुला रहा हूँ और ये भी समझा चुका था कि सना किस हैसियत से इस घर में आ रही है। आपको उसे पूरी इज्जत और अपनाइयत देनी होगी। तुमने तो हमें गुलाम समझा हुआ है ना, अरे गैरों की हम लोग खिदमतें करते फिरे। अगर तूने इनकी खिदमतें करवानी है ना, इनके खाने का पीने का, तो ला दे 3 लाख रुपए का चेक। 3 लाख? क्यों? मैं कह रही हूँ मुझे जरूरत है और तुझे देना पड़ेगा, वरना तो तेरे में ऐसे पोल खोलूंगी ना तू याद रखेगा। बड़ा आया उनको हैसियत देने वाला इख्तियारत कहीं का, अब वो भी मुंह उठा के चले आए। हाला आप लोग यहाँ खड़े हैं? फारिस तुम्हारे घर में हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है? बेइज्जती के लिए बुलाया था,
अरे कब से हमारे सर में दर्द हो रहे हैं, मजाल है किसी ने एक कप चाय भी पूछी हो। मैं करवाता हूँ। निम्रा, निम्रा। जी वारिस। तुमने खाला से पूछा नहीं उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? जाओ चाय लेकर आओ उनके लिए। निम्रा, तुम्हारी नानी जान की कॉल आई थी, वो लोग 20-25 मिनट में पहुंच रहे हैं। बेटा जरा अपने चाचा को तो जाके देखो, उन्होंने सारे काम मुकम्मल किए हैं कि नहीं। जी मैं जाती हूँ। मैं भी जाता हूँ, चाय, फिक्र ना करो। देख रहे हो ना कैसे वो कर रही हमारी हद होती है बेइज्जती की भी। यार तुम कमाल आदमी हो, तुम यहाँ खड़े हो, मैं गेट पे अकेला खड़ा हूँ, सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ और तुम यहाँ खड़े हो। जाओ जाके मेहमानों को रिसीव करो। मैं जाता हूँ, मैं देख। कमाल है यार, एक मिनट बात सुनो। कितना अजीब बात है, अपने सगे बेटे का ही दुश्मन है, थोड़ी देर हमारे साथ क्या खड़ा हो गया, इनको तो इतना बुरा लगा। तुम्हें पता है आजकल माँ बाप का खून बिल्कुल सफेद हो चुका है। ये वो देख, वहाँ घूम रही है ढीठ लड़की, लेकिन मजा ले हमारे को चाय दे दे, देख रहे इन लोगों का हाल। दफा करो, हमें इससे क्या लेना। ससुराल वाले बहुत अमीर लग रहे हैं। नजर तो आ रहा है मुझे भी। बहन को देखो जैसा तो खून सफेद हो गया। तेरा मुबारकबाद दे दो। Thank you.
अरे थकन से बुरा हाल हो गया, कमर ही टूट गई मेरी तो। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट के दिमाग का कोई पुरजाइल गया। आप लोगों ने देखा था कितना खर्चा किया इन लोगों ने, नमूदो नुमाइश, सिर्फ दिखावा। खाला का क्या जाता है, सिर्फ हुक्म किया होगा, लेकिन खर्चा किसका हुआ, पैसा किसका बर्बाद हुआ, फारिस का। अरे बेटा, फारिस का पैसा भी तो हमारा ही है, आखिर को वो हमारा होने वाला दामाद है। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, हद हो गई। वैसे नुजरत, फारिस को समझाओ, एंगेजमेंट पर उसका ये हाल है, शादी पे तो लगता है कि पूरी जायदाद बेचकर शोशा पे लगा देगा वो। अरे ऐसे कैसे लगा देगा, पाई पाई का हिसाब लूंगी, सारा पैसा मेरी बच्ची के काम आएगा। वैसे अहमन के ससुराल वालों को देखकर मेरा दिल तो जलकर खाक हो गया, ना जाने शाइस्ता आपा ने सिर्फ कौन सा नेक काम किया जो उन्हें ये फल मिल रहा है। सही कह रही है, दचका तो मुझे भी लगा था। अहमन को देखा था, कैसे खिलखिला रही थी, शक्ल देखी थी उसकी, दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे उस लड़की के, सहर लग रही थी मुझे। सना बेटा, मारे जलन हसद के मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं गया, जा जाके खाने को कुछ ले आ, और हाँ वही लाना, वो फ्राइड फिश और ब्रोस्ट जरा ज्यादा ले आना, तुम्हारे अब्बा ने भी कुछ नहीं खाया है। मैं नहीं जा रही, फारिस से बोल देती हूँ, वो खुद ही ले आएगा। ले आ बेटा ले आ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। हाँ अल्लाह, आप सो तो नहीं रहे थे, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने आपको? सो रहा था। क्या नींद आ गई आपको? मुझे तो लगता है मुझे आज रात नींद ही नहीं आएगी। अरुण यकीन ही नहीं आ रहा, हमारी मंगनी हो गई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है हम दोनों की कैफियत एक सी है, आप ही मेरी तरह बहुत ज्यादा खुश हैं। हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूं। सुन रहे हैं तो कुछ बोले मीना, सुबह बात कर ले, मैं अभी। वैसे ना कॉल आपको करनी चाहिए थी। मुझे ख्याल नहीं रहा। चले जाए, मैंने आपको माफ किया, क्या याद करेंगे। अब मैं सो जाऊं? सो जाए, अल्लाह हाफिज। नज़ीरा, मैंने कुछ मुलाजिम हायर किए अच्छी तरीके से सफाई करवाने के लिए, अपने सामने ही अच्छी तरीके से सफाई करवा लेना, ठीक है? जी नीरा बीबी, मैं सब करवा लूँगी। नज़ीरा, ये सब काम छोड़ो और जाके मेरे नाश्ता बनाओ। नाश्ता? सना बीबी, दोपहर के 12 बज रहे हैं, नाश्ता तो कब का हो चुका है, और मैं तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बदतमीजी नहीं करो, नाश्ता मांगा है ना, तुम जाके नाश्ता बनाओ। सना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? निम्रा, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, और तुम क्या मुंह देख रही हो, जाओ जाके नाश्ता बनाओ। जी चाहे। ईमन, हमारी दोस्तों की कॉल आ रही थी मेरे पास, कह रही थी कि तुम कॉल नहीं रिसीव कर रही। निम्रा, मैं तो पूरी रात हारून से बातें करती रही, वक्त ही नहीं मिला कि किसी और की भी कॉल अटेंड कर सकूं। उफ, कितनी कॉलें आई हुई है मुबारकबाद के लिए।
हम सारी रात हारून से बात कर रही थी। हाँ ना, कॉल ही नहीं काट रहे थे वो। मैं तो जानती नहीं थी कि हारून के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत छुपी हुई है। अब आकर पता चला है कि सारा रिश्ता सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हुआ है। मुकम्मल तौर पे मुझे पता ही नहीं था। इतना खुश हूँ मैं आज। इतने बड़े घर में जाऊंगी, इतना खुश होंगी मैं वहां। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। यार सना, तुम समझने की कोशिश करो, घर में इतने सारे लोग हैं, अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो बहुत बातें बनेंगी, अम्मा अब्बा को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें सबकी परवाह फारिस, सिवाय मेरे। तुम्हारी तो परवाह कर रहा हूँ, बातें बनाएंगे सब, उंगलियां उठाएंगे तुम पे, इसलिए मना कर रहा हूँ, समझो बात को। मैं तंग आ गई हूँ, कब खत्म होंगी ये पाबंदियां? तुम अब मेरे को होंगे। देखो सना, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। मैं अम्मी अब्बा पर जोर डालूंगा, वो एमन की रुखसती जल्द से जल्द कर दे। उसकी शादी हो जाएगी ना तो फिर हम लोग भी आजाद हो जाएंगे। तुम देखना, तुम्हारे लिए मैं महल जैसा घर बनाऊंगा, मलका बनाकर रखूंगा तुम्हें उस घर की। ठीक है, ज्यादा बातें ना करो। मेरे सुनने में एक बात आई है, क्या एमन के होने वाले शौहर का घर बहुत प्यारा है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। फारिस, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे उससे भी बड़ा और प्यारा घर चाहिए। तुम्हारी बहन जब मेरे सामने डींगे मारती है ना, तो मेरा दिल जलता है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें मलका बना कर रखूंगा, बड़ा सा महल तैयार रखूंगा तुम्हारे लिए। टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे लड़के वालों ने एमन को पसंद कैसे कर लिया? मतलब आम सी शक्लो सूरत की लड़की है, कहीं लड़के के कैरेक्टर में कोई झोल तो नहीं? क्या पता उसने पहले से कोई शादी की हो, शादीशुदा निकला फिर? अम्मी अब्बा ने रिश्ता किया है, कुछ देखभाल के ही किया होगा। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, पहले तुम जाओ गाड़ी में, मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ, और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और खाना भी खाएंगे। सना नहीं, तुम मरवाओगी, देखो प्लीज। फारिस, कब से इतने बुजदिल हो गए? अरे बुजदिल नहीं हो गया हूँ, लेकिन एहतियात जरूरी है ना, समझो बात को। एहतियात से ही चल रहे हैं, ज्यादा बहाने नहीं बनाओ, जो जाके मेरे इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। जाओ। अच्छा जनाब, जैसा आप कहें। क्या है ये? तुम्हारा बेटा इंतहाई अहमक घटिया और नालायक इंसान है। मैंने निमरा के साथ उसका निकाह करवा के ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की। आप टेंशन क्यों ले रहे? हम अपनी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे, फारिस एहसानिया से शादी करे या किसी और लड़के को ब्याह के ले आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? कमाल है भाई, फर्क पड़ता है, और बात परेशानी की ही है। देख नहीं रही हो तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बहनोई कैसे अभी से उसको ओन कर रहे हैं। और यह मत भूलो कि हारून की दादी ने निमरा को अपनी नवासी बनाया हुआ है, और तुम्हारी बेटी ने ब्याह के उसी घर में जाना है। उन्हें पता चलेगा कि निमरा के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो क्या वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगी? मैं आ सकती हूँ? आओ जी बेटा, आओ आओ आओ। क्या खैरियत, कोई काम है? आपको पता है कि फारिस कहाँ गया है?
क्या मतलब कहाँ गया है? वो सना के साथ गाड़ी में किधर गया है? तो क्या हो गया? वो इसकी खाला जात है, बचपन में दोनों इकट्ठे खेले कूदे हैं। अगर वो उसे घुमाने फिराने ले गया तो क्या हो गया बेटा? और वैसे भी तुम भी तो कराची जाकर अपने रिश्तेदारों में रुकती हो ना, फारिस ने कभी एतराज किया है? कर बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं बात करता हूँ, फारिस आता है ना तो मैं उससे बात करता हूँ और सख्ती से बात करूंगा। तुम परेशान मत हुआ करो, मैं बैठा हूं ना तुम्हारा चचा, तुम्हारे राइट्स के लिए, तुम्हारे हुकूक के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम पागल हो, कैसे बात कर रही हो उससे? बड़ी आई सवाल जवाब करने वाली हमसे। तुम्हारा बेटा है ना तो उसके भी जरा कान खींचो। उसको तुम ऐसा ठीक करूंगी ना कि याद रखेगा, पता नहीं कितने पैसे बर्बाद करके आएगा उस शैतान की नानी के ऊपर, वो भी मनहूस आके चिपक ही गई है उसको। इंतहाई अहमक, इंतहाई नाहंजार बच्चा है यार। को सर दर्द की गोली दो मुझे, मेरे तो सर में शदीद दर्द हो रहा है। तनी क्यों गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही है मुझे? लाती हूँ, ऊपर से चाय पी रहा हूं। ओए ठंडी चीज पिला दो। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि जब तक एमन भी आकर अपने घर नहीं जाएगी तब तक हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ना कोई मंगनी ना कोई निकाह, कुछ भी नहीं हो सकता। मजबूरी है। और कब तक होगी तुम्हारी बहन की शादी? यार अब तैयारी में कुछ वक्त तो लगता है, मेरा ख्याल है 6 से 8 माह लग ही जाएंगे। फारिस, तुम्हें मैं और मेरे घर वाले पागल लगते हैं, अहमक लगते हैं? तुम्हारा जो जी चाहे करो, जा रही हूँ मैं। सना सना यार क्या हो गया तुम्हें? तुम गुस्सा क्यों करने लग जाती हो? तुम जानती तो मैं हर कदम तुमसे पूछ कर तुम्हारी इजाजत से उठाता हूँ। यार मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, बैठो ना कोई मसले का हल निकाल। अरे बैठो ना। इसका एक ही हल है, ये तो तय है कि 8-9 माह मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुम कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अमन की शादी हो। करता हूँ मैं मम्मी से इस बारे में बात। और प्लीज उस लड़की को भी जल्दी से जल्दी फारिग करो जो खामखा तुम्हारी मनकोहा बन के बैठी हुई है। कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, दोनों बैठकर मसले का हल निकालते हैं ना। तुम बताओ ना, कोई मशवरा तो दो। छोटी बात नहीं है, थक गई हूँ इंतजार कर करके। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बताओ कुछ खाओगी, कुछ मंगवाओ तुम्हारे लिए। गुस्सा तो छोड़ो, गुस्सा क्यों करती हो तुम हर वक्त? मूड ठीक करो अपना जल्दी से। हारून बेटा इधर आओ, देखो कितने भारी और खूबसूरत सेट। अल्लाह तुम्हारी दुल्हन को बरतना नसीब करे, पहनना नसीब करे। आमीन। क्या ये सब निकाल कर बैठ गई? अरे भाई बरी तैयार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 सेट और कंगन और बनवा लेते हैं। इन चीजों के बारे में मुझे क्या पता, आपको जो बेहतर लगे। बस मेरा एक मशवरा है। बोलो। शादी पर धूम धड़ाके की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से सादगी से रुखसती करवा लें। क्यों जरूरत नहीं है? एक ही एक हो तुम, हम तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे भाई। बिल्कुल अम्मा, मेरे ख्याल में इसकी डोरी बदलवा लेंगे और ये नग भी। हाँ बहुत खूबसूरत है।